आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। अब इसी बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये अपील की कि ये देश हित में होगा अगर आप अपना टैक्स कम कर दें। इससे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवंबर यानी 6 महीने पहले, जब आपको याद होगा 5 राज्यों में चुनाव होने ही वाले थे, उससे पहले ही केंद्र ने अपनी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की और उसके बाद कई सारे बीजेपी शासित प्रदेशों ने भी अपना वैट घटा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों का बकायदा नाम लिया है, बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इन राज्यों ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील नहीं मानी। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। बीते 19 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन इसके बावजूद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए से ज्यादा है, राजस्थान में 122 रुपए, भोपाल में इसकी कीमत 118 रुपए। अब महाराष्ट्र में सेना, कांग्रेस और एनसीपी की एक मिलीजुली सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो क्या राज्य सरकारों की वजह से ही पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं? मोदी के इस बयान की तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि यह बयान एक तरफा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहती हैं कि उनके 97,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। वो ये भी कहती हैं कि वो पैसा कहां से लाएंगी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी पलटवार किया है। वो ये कहते हैं कि देश के विकास में महाराष्ट्र का एक बड़ा योगदान है और उनके भी 26,500 करोड़ रुपए बकाया है। यानी पेट्रोल पर जो राजस्व मिलता है उसका 75% तो केंद्र ले जाता है, तो राज्यों पर इसका ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है, ये कहते हैं ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री। अब आपको याद होगा कि विपक्ष एक और आरोप लगातार लगा रहा है। वो ये कहता है कि 2014 में लगभग 3.5 रुपए डीजल पर एक्साइज था और पेट्रोल पर 9.5 रुपए एक्साइज था और अब ये बढ़कर 32.5 रुपए और 31 रुपए कर दिया गया है और सरकार ने अभी तक 26,000 करोड़ रुपए एक्साइज में कमाए हैं और राज्य का यह भी आरोप है कि उनको उनका पैसा नहीं दिया जा रहा। अब केंद्र सरकार जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाती है उसे एक्साइज कहते हैं और जो राज्य सरकारें लगाती हैं उसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। जैसे अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है तो इस पर 52.5 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच केंद्र और राज्य सरकारें अपना टैक्स लेती हैं आपसे। अब अगर 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो उससे कितना फायदा होता है ये समझिए। जानकार ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने में 13,500 से लेकर 14,500 करोड़ रुपए सालाना की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं क्रूड की कीमतें घटने से सरकार को अपना व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलती है। असल में देखिए, भारत अपनी जरूरतों का करीब 82% क्रूड खरीदता है और ऐसे में क्रूड की कीमतें घटने से देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD है वो भी घट सकता है। तो जो आपकी और हमारी जेब से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं, क्या वो सिलसिला कभी भी थमेगा? बढ़ती कीमतों के लिए विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार आए। आज उन्होंने इसके लिए सीधा सीधा राज्य सरकारों को ही जिम्मेदार बता दिया है। तो क्या ये एक संकेत है कि राज्य अगर अपना टैक्स नहीं घटाते हैं तो बढ़ते दामों के लिए वही जिम्मेदार होंगे? और देखिए, कौन कहता है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित है? और क्या तेल की महंगाई के लिए राज्य सरकारें ही जिम्मेदार हैं? महंगाई के मुद्दे पर क्या विपक्ष को इस समय प्रधानमंत्री मोदी बैकफुट पर ले आए हैं?
राजनीति में इकोनॉमी और इकोनॉमी में राजनीति, लेकिन आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी और कौन देगा? इस सवाल का जवाब हमारे किसी भी राजनेता के पास फिलहाल नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और इस वीडियो को अपने ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर बांटिएगा ताकि आप समझ पाए कि असल मुद्दा क्या है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम अपनी यहां पर चर्चा करें। आज के लिए थैंक यू।